ओम शांति। 13 मार्च 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न: बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन, अपने को बिंदी समझ, बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच: इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान उवाच। ये तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ जानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास 30-35 वर्ष के भी बच्चे हैं जो हम आत्मा कैसे बिंदी हैं ये भी नहीं समझते। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता न पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। आया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं, झूठ की नाव हिलती नहीं है। इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वे भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है। बागवान भी है, बाप ने समझाया है ये है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वे भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, ये बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। सत्युग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं, वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है ही रावण राज्य।
दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम, अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं, फिर कह देते ठिकर भीतर सब में है, अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको पांच विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो, वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज कानों में पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान उवाच, परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी, तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना, एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे दूसरी तरफ नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमिन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वे फिर कुछ ना कुछ जल व माखी अर्थात शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे, विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे, कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है, वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा,
ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं, ये भी जानते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, सत्युग में बहुत थोड़े होंगे। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना इसमें ही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए, भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो। बाबा का फरमान है मुझे याद करो, घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते हैं, कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, ये तो पढ़ने वाला ठहरा। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई, वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयुग सिखला कर गए, इनसे कृष्ण सत्युग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या, ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यह रथ जिसमें बैठा हूँ ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, यह रोज गीता पढ़ता था। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे, जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ मामेकम याद करो, ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पालौकिक बाप कहते हैं बच्चे
मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी, तुम काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता, देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम दो। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान, त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू, मैं, मेरा, तेरा न आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। ओम शांति।